समाचार के विशेष कवरेज बाढ़ प्रभावित इलाकों से आप सभी का स्वागत है। मधुबनी झंझारपुर खास करके डूब चुका है, जो जितने गांव है वहां पर वो डूब चुके हैं। और मैं अभी हायाघाट प्रखंड में हूं और आपको बता दूं इनवाइट यहां पर है, इनवाइट जगह है। और पीछे इसके यहां पर आपको बता दें कि अकराहा गाँव में लगभग पानी घुस चुका है। और कल से आज तक अगर बात करें तो सिर्फ 2 फुट पानी बढ़ा है, 2 फुट पानी बढ़ा है। और कहीं ना कहीं आपको एक बात बता दें कि जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, अगर पानी बढ़ने का रेशियो कम नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशानी जो हायाघाट प्रखंड के लोग हैं उन्हें आ सकता है। चारों तरफ मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा घुमाएं, चारों तरफ देख सकते हैं ये सामने में जो पुल है इसे मुंडा पुल कहते हैं। और मुंडा पुल पे लगभग सटने वाला ही है, जो मुंडा पुल है उसमें सटने वाला है पानी। अगर 5 फुट अगर और बढ़ता है तो मुंडा पुल टच कर जाएगा और यहाँ से ट्रेन का जो आवाजाही है रुक जाएगा। ट्रेन आने जाने में भी बहुत तकलीफ की बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्स है ट्रेन ले जाने में। और सामने हायाघाट प्रखंड है जो आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि हायाघाट प्रखंड जाने के लिए जो रास्ता है वो बंद हो चुका है और सिर्फ अभी नाव का सहारा है। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो लोग उस एरिया के लोग रहते हैं, जो चाहे पश्चिमी बिलासपुर हो चाहे जो हायाघाट के उस पार के गांव है, वो सभी लोगों को नाव के सहारे ही जाना पड़ता है। चाहे बाइक लेके जाना हो या लोगों को लेके जाना हो तो सिर्फ और सिर्फ नाव। और कल तक 10 रुपये चार्ज था और आज 50 रुपये कर दिया गया है क्योंकि जो दूरी है वो बढ़ चुका है। पहले वहाँ तक पानी था और आज यहाँ तक पानी आ चुका है। लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि आगे कितना पानी बढ़ता है और क्या विकराल रूप लेता है बागमती नदी। देखते रहिए, आगे आपको और विशेष कवरेज दिखाऊंगा। अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा भारत उदय समाचार। कल यहाँ पर आप लोग आए थे घूमने के लिए, कितना पानी था यहाँ पर? कल आप लोग आए थे, कितना पानी था इस रोड में? थोड़ा सा उधर ही था। अच्छा, और आज यहाँ तक आ गया? आज यहाँ तक आ गया। कहाँ से घूमने के आए आप लोग? विसाई पट्टी से आए हैं देखने के लिए, आसपास से ही आए हुए हैं। मझोलिया से ही? प्रत्येक वर्ष ऐसे ही आते हैं देखने के लिए? हाँ। इस बार क्या लग रहा है पानी की रफ्तार से? पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब डर बना हुआ है। डर बना हुआ है वैसे। ठीक है, क्या नाम हुआ? अली मोहम्मद। क्या कहना चाहते हो, कल यहाँ पर आए थे घूमने के लिए आप लोग? कल आए थे तो पेड़ जो देख रहे हैं ना, उसके उधर जो पुल है, एक पेड़ जो देख रहे हैं आप, उस पेड़ से उधर ही था पानी। आज जो है बहुत ज्यादा पानी बढ़ा 24 घंटे के अंदर में। बहुत ज्यादा बढ़ा? नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ा। 2004 की तरह जो है लग रहा है इस बार भी पानी का रफ्तार देख कर उसी तरह पानी बढ़ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम तो आए चंदनपट्टी से आए देखने के लिए आए हैं कि कितना पानी बढ़ा है। डर बना हुआ है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ गुड्डू। नहा रहे हो क्या, मतलब एंजॉय कर रहे हो क्या बाढ़ में? हाँ, बाढ़ का पानी है ना, देखने के लिए आए थे पानी मझोलिया से, विसाई पट्टी से, तो अच्छा लगा, मन किया नहाने का तो नहा लिए। पानी अच्छा है, साफ है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी जब हम आए थे तो पानी बहुत अच्छा और अभी बढ़ करके जो है पूरा ऊपर रोड पे चढ़ गया, मतलब आगे बढ़ गया है। हाँ, पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे जो है यहाँ घाट में, और अब देखिए कितना बढ़ता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुलजार हुआ जी। बोलिए। पानी 1 फीट 2 फीट बढ़ ही रहा है। हाँ। प्रत्येक दिन कहाँ से आए हो? सुरहा से। देखने के लिए आते हो? प्रत्येक दिन की कभी कभी? प्रत्येक दिन। कल आए थे कि नहीं? हाँ, कल कब आए थे? शाम में आए थे। सुबह में था वहाँ तक। हाँ, शाम में कहाँ तक था? शाम में यहाँ तक आ गया था। शाम में, मतलब सुबह से शाम तक में पानी बढ़ा था। और आज कितना पानी बढ़ा लग रहा है? बहुत पानी बढ़ा, वहाँ पर पानी नहीं था, वहाँ तक नहीं था और पहुँच गया। क्या लग रहा है इस बार बाढ़ का संख्या? बाढ़ आएगा। हाँ। कैसा लग रहा है? क्या नाम हुआ? अभिजीत कुमार भैया। कम से रहा था 2.5 इंची। अच्छा, और 6 बजे से करीब 1 फीट पानी बढ़ा। सुबह 6 बजे से 1 फीट पानी बढ़ा है। क्या लग रहा है कि मतलब शाम तक कुछ? बहुत आदमी चढ़ियो गए उधर, जो हेला मारा रे। साइकिल लगाओ, साइकिल उतार दो, साइकिल लगाओ, साइकिल लगाओ। ऊपर चढ़ जा रहे बाकी।